नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब गुप्तेश्वर महाराज और गुप्तेश्वर बाबा बन चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने प्रशासनिक सेवा से जब से उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़ा है, यानी जब से उन्होंने डीजीपी के पद से इस्तीफा दिया है, तब से वो अध्यात्म की दुनिया में जुड़ चुके हैं। दुनिया भर में, देश भर में राम कथा सुना रहे हैं और उनका नाम भी अब बदल गया है। नाम बदल कर गुप्तेश्वर पांडे से गुप्तेश्वर महाराज बन चुके हैं। बताया कि जब उनसे एक मीडिया चैनल ने इंटरव्यू किया और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने जब से प्रशासनिक सेवा छोड़ा, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, बात हो रही थी और आपके लेकर के ये चर्चा थी कि आप पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, जिस पर गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला और मैं पॉलिटिक्स में एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आने वाला था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ चमचाओं की वैल्यू है। यानी यहाँ अगर आप आकर के चमचागिरी करिएगा, अगर आप लोगों के चमचा बनिएगा, तो ही आप इस पॉलिटिक्स में रह पाइएगा। तो देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जो कि एक सख्त डीजीपी के रूप में देखे जाते थे, एक सख्त प्रशासनिक सेवा देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाते थे, वो गुप्तेश्वर पांडे जो हैं अब अध्यात्म की दुनिया में आ चुके हैं, बाबा बन चुके हैं, महाराज बन चुके हैं, आचार्य बन चुके हैं और सनातन धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े जो है कथा सुनाते हैं, कथावाचक बन चुके हैं और राम कथा जो है उनकी दरबार सजती है और राम कथा सुनाते हैं गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर पांडे का नाम भी बदल चुका है, वे गुप्तेश्वर पांडे से गुप्तेश्वर महाराज बन चुके हैं। बिहार पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी रहे इन शख्स का चोला, हुलिया, जुबान, व्यक्तित्व तो पहले ही बदल चुका था। वे श्री रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु माने गए। इतना ही नहीं, वे देश के शायद पहले ऐसे आईपीएस हैं जिन्होंने जीवन के अलग अलग रंगों को बहुत जल्दी जल्दी जिया है। मौका परस्त भी कहलाए, दो बार पॉलिटिक्स में ट्राई मारी, पहली बार नेता नहीं बने तो फिर नौकरी में आ गए, दूसरी बार विधायक के लिए डीजीपी जैसा सबसे बड़ा पुलिसिया पद छोड़ दिया, इस बार टिकट न मिला तो कथावाचक बन गए। राजनीति की चर्चा पर फट पड़ते हैं। जब उनसे एक निजी मीडिया चैनल ने उनसे जब इंटरव्यू की, उनसे जब बात की, तो कई सारे मसलों पर डीजीपी यानी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुलकर बोले और खुलकर अपने बातों को लोगों के सामने रखा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले आप डीजीपी, फिर नेता और अब कथावाचक बन चुके हैं, क्या आप मौका परस्ती देखते हैं, इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब आता है, बिल्कुल नहीं, जीवन के चौथे स्टेज में अब और कोई प्रयोग नहीं, मैं पॉलिटिक्स में स्टैंडर्ड सेट करने आया था, मगर जाना कि नेता को सिर्फ चमचा चाहिए, राजनीति समाज को तोड़ती है, मैं इसे जोड़ने को अध्यात्म के रास्ते पर हूँ। जब उनसे सवाल पूछा गया राजनीति में जाने का ज्ञान क्यों हुआ, तो जवाब देते हैं कि सरकारी नौकर का तय दायरा होता है, मैं जनता की सेवा के लिए बड़े प्लेटफॉर्म की तलाश में था, शो राजनीति में आ गया, मैं वैसा आदर्श विधायक बनना चाहता था कि जनता हमेशा कहती रहे कि विधायक हो तो ऐसा ही हो, इसके लिए मैं सिर्फ एक टर्म विधायक रहता। फिर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या गड़बड़ाया कि राजनीति में से आप तुरंत अलग हो गए, आप राजनीति में तो आए लेकिन इतना जल्दी यहाँ से क्यों हट गए, इस पर जवाब देते हुए गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि मैंने 60 साल में जितना नहीं सीखा उतना 6 महीनों में सीख गया, मैंने जान लिया कि आज की राजनीति में मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, नेता को सिर्फ चमचा चाहिए, नेता नहीं, तेज बनिएगा तो पर काट दिया जाएगा, भारी छल बल, तिकड़म, छूट, फरेब, धोखा, वादा खिलाफी, लंगड़ी मारी, ये सब भरपूर चाहिए, मेरे लिए ये सब कठिन के अंदर मेरे संस्कार में सनातन के बीज थे, वेद पुराण सांख्या मानस पढ़े हुए थे, एक टर्म विधायक रहने के बाद मैं अभी वाला काम ही करता, मेरे ठाकुर जी यानी मेरे भगवान ने मुझे अपने सानिध्य में ले लिया। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनसुधार के लिए राजनीतिक सामाजिक अभियान आंदोलन भी तो बड़ा माध्यम है, फिर आपने धर्म या अध्यात्म से क्यों जुड़ना चाहा, इस पर जवाब देते हैं कि मेरी गारंटी है कि राजनीतिक सामाजिक अभियान या आंदोलन से सुधर नहीं सकता, खासकर राजनीति समाज को तोड़ती है, लोगों में तरह तरह के भेदभाव पैदा करती है, समाज को जोड़कर रखने का इकलौता रास्ता अध्यात्म ही तो है। और जब हिंदू राष्ट्र को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया
कि आजकल भारत में ये बहुत बड़ा डिमांड हो गया है हिंदू राष्ट्र बनने का। इस पर जवाब देते हैं कि ये बहुत विशद विषय है, इस पर मैं कभी अलग से बात करूंगा, लेकिन अभी बता दूं कि सनातन कट्टरवादी की इजाज़त नहीं देता है। मैं कट्टरवादी नहीं हूं, सबको समान भाव से देखता हूं, सबको समझता हूं कि सब एक ही शक्ति की संतान है, हम सब आदमी उसी के खिलौने हैं। अब इस शक्ति को चाहे हम जिस भी रूप में माने या परिभाषित करें, और यह भी कि सबको एक दिन उसी शक्ति द्वारा तय जगह पर जाना है। जब यही स्थापित सच्चाई है तो फिर जाति धर्म का भेद कैसा है। डीजीपी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और खुद वो गुप्तेश्वर महाराज बन चुके हैं। जब सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर मौका परस्त का इल्ज़ाम लगाया गया, आपने जब प्रशासनिक सेवा छोड़ा तो आप पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं स्टैंडर्ड सेट करने आना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ चमचों को वैल्यू दी जाती है, यहाँ छल कपट करिए तो ही आप टिक पाइएगा, और मेरा जो सनातन धर्म है, मेरा जो हिंदू धर्म है, वो मुझे ये नहीं सिखाता है। हमें लोगों को जो हम लोगों को जोड़ते हैं, हम समाज को जोड़ते हैं, समाज को तोड़ते नहीं। इतना ही नहीं, इन दिनों बिहार से और खासकर अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर के काफ़ी चर्चा है। पटना में जब बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे, तभी उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर के बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो सपना हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो सपना हम भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं, वो सपना हम बिहार से ही आगे बढ़ते देख रहे हैं। ऐसे में जब सवाल पूछा गया हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है वो कट्टरवाद नहीं सिखाता है, हम लोगों से प्रेम करना सिखाते हैं, ना कि लोगों के बीच नफरत की भावनाएं फैलाते हैं। तो चलिए फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।